हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले मैं आपको इसके प्रीवियस चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा चुका हूं। आपने अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जाकर उन्हें देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमें। इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल बी सी, हमें डी ई पैरेलल बी सी दिया है और ए ई की वैल्यू ए दी है और ई सी की वैल्यू बी दी है और डी ई की वैल्यू एक्स है और बी सी की वैल्यू वाई है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन में गिवन है डी ई पैरेलल है बी सी के। मैं फिगर भी एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, ए बी सी और ये डी है, ये ई है। अब आपको एक बात समझनी है, जब डी ई पैरेलल होती हैं तो बाय बी पी टी क्या होता है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होता है, ठीक है। ये तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से होता है, लेकिन जब हम इसे प्रूव करते तो क्या होता है, जो आपका ए डी ई ट्रायंगल है वो ए बी सी ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंस होता है। जब हमें इसे प्रूव करके जब ही आता है तो हम लिख सकते हैं सिंस डी ई पैरेलल बी सी, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। हम इसे पहले सिमिलरली प्रूव करते हैं, जब हमें ये रिलेशन मिलता है ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये सिमिलर हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ से क्या मिलेगा, ए डी अपॉन ए बी किसके इक्वल होगा, डी ई अपॉन बी सी और ये किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ए सी। तो ये आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के, क्योंकि जो साइड ए डी है उसे हम पहले लेते हैं। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं। तो ए डी अगर जैसे मैं अलग अलग ड्रॉ करूं, ये ए डी ई है, ये ए बी सी है, तो इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। इसलिए मैंने ए डी के नीचे ए बी लिया है, ए ई के नीचे ए सी और डी ई के नीचे बी सी। जैसे आपको ट्रायंगल दिया गया है आपको उसी प्रकार यहाँ जो कॉरेस्पॉन्डिंग में लिखने हैं, ठीक है। जैसे ए डी है, यहाँ ए बी है तो ए डी अपॉन ए बी, फिर डी ई, यहाँ बी सी तो डी ई अपॉन बी सी, यहाँ ए ई और ए सी है तो ए ई अपॉन ए सी। अब यहाँ से आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आपके पास ए ई है, ए सी है, डी और डी ई और बी सी हैं, लेकिन आपके पास ए सी की वैल्यू नहीं दी है क्योंकि ए ई की वैल्यू तो आपको ए दी है और ई सी की वैल्यू बी दी है। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी। तो आप लिख लोगे ए सी किसके इक्वल होगा, ए ई प्लस ई सी के और ए ई की वैल्यू ए प्लस बी, तो ये आ गई आपकी ए बी की, ए सी की वैल्यू, ठीक है। तो आपको बस सिर्फ पुट करनी है डी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, तो डी ई की वैल्यू एक्स है और बी सी की वैल्यू वाई, ए ई की वैल्यू ए है और ए सी की वैल्यू ए प्लस बी। आपसे एक्स की वैल्यू पूछी थी तो क्या हो जाएगी, ए बाई अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल है वैसे, बस आपको ये पता होना चाहिए डी ई पैरेलल बी सी है, तो आप सीधा ये सोचते हो कि सिर्फ बी पी टी द्वारा ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी होता है। लेकिन हम जब डी ई पैरेलल बी सी शो दिया होता है तो हम पहले ये शो करते हैं कि ट्रायंगल ए डी कौन सिमिलर है ए बी सी के, तब ये रिलेशन निकल के आता है, ठीक है। और आप देखो तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ए वाई अपॉन ए प्लस बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है ए बी सी इज अ ट्रेपेजियम विद ए डी पैरेलल बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर विद द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ सच डैट, ये रिलेशन दिया और बी सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले
फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम ऐसे बन जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए डी की वैल्यू हमें दी है 4 सेंटीमीटर, बी सी की हमें फाइंड करनी है, और उसमें कह रहा है ए सी और बी डी ये इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर, ठीक है। और इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें एक रिलेशन मिलता है ए ओ अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू 1/2। तो ये भी सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए एक ट्रेपेजियम में जो इसके वर्टिकल एंगल्स अपोजिट होंगे ए ओ डी और सी ओ बी ये अपोजिट होंगे, तो इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। मैं आपको इसे प्रूव करके भी दिखा देता हूँ कि आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए ओ किसके इक्वल होगा, आप देखो एंगल ए ओ डी किसके इक्वल होगा, एंगल सी ओ बी के। आप लिख दोगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये एंगल आपस में वर्टिकल अपोजिट हैं। और आपको एक रिलेशन दिया ही हुआ है ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। जब ये एक दूसरे के मतलब इंटरसेक्ट करते हैं तो इनका जो रेशियो है वो सेम आता है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, हेंस ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ओ बी के, किससे, बाय ये साइड एंगल साइड क्रिटेरिया से, ठीक है। जब ये सिमिलर है तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, ए डी अपॉन ए डी, यहाँ से देखो आप इससे देखो ए ओ किसके इक्वल होगा सी ओ के, ऐसे ही ओ डी इक्वल होगा ओ बी के और ए डी इक्वल होगा सी बी के, ठीक है। अब यहाँ से आपको इसकी वैल्यू दी हुई है 1/2 और ए डी की वैल्यू आपको 4 दी है और सी बी या बी सी बोल दो इसकी वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी बी ऊपर आ जाएगा और 4 × 2 = 8, तो ये किसकी आ जाएगी, सी बी और इसकी वैल्यू, ठीक है, यही वैल्यू आपसे पूछ रहा था। तो ये कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन गिवन फिगर, हमें एक फिगर दिया गया है ए डी अपॉन ए ई और ए सी अपॉन बी डी एंड एंगल 1 = एंगल 2, ये एंगल इक्वल दिए हैं, और सो हमें करना है कि ट्रायंगल बी ए ई कॉन्ग्रेंस है सी ए डी के। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें आपको पहले तो फिगर दिया गया है, इसके पैरेलल है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, ए बी सी डी और ये पॉइंट ई है, ठीक है। और इसमें हमें गिवन है ए डी अपॉन ए ई इक्वल हैं ए सी अपॉन बी डी के, बी डी और ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। और हमें प्रूव क्या करना है, इसमें प्रूव या सो वो करना है कि हमें ट्रायंगल बी ए ई सिमिलर है ट्रायंगल सी ए डी के। पहले तो आप देख लो ट्रायंगल बी ए ई, ठीक है, और ट्रायंगल सी ए डी। तो आपको यहाँ से एक तो आप देख सकते हो एंगल 2 और एंगल बराबर हैं, हमें दिया गया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जब भी एंगल्स दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। जैसे एंगल 1 के अपोजिट साइड बी डी है, एंगल 2 के अपोजिट साइड ए बी है, तो यहाँ से ए बी किसके बराबर होगा, बी डी के, ठीक है। और जब ये ए बी और बी डी इक्वल हैं तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर दिए गए को ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी की जगह क्या कर देंगे हम, ए बी, ठीक है।
क्योंकि बी डी और ए बी इक्वल हैं। अब आप देखो ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए बी, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में हैं। और आपको एक और चीज़ है, एंगल वन इनों में कॉमन है, एंगल मतलब एंगल ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एंगल ए, क्योंकि कॉमन है, कॉमन एंगल। और अगर आप फिगर के हिसाब से लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक है। बी ए ई और सी ए डी एंगल ये कॉमन है दोनों में, तो ये बराबर है कॉमन एंगल। और यहाँ से दो साइड्स हमने कॉरेस्पॉन्डिंग प्रूव कर दी, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, हैंस ट्रायंगल बी ए ई सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ए डी के, किससे, बाय साइड एंगल साइड क्रिटेरिया, ठीक है, क्योंकि पहले हमने साइड ली और फिर एंगल फिर साइड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में कहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, दो ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी और डीईएफ, उसमें ये है एबी अपॉन डीई इज इक्वल टू बीसी अपॉन एफडी, दे विल बी सिमिलर व्हेन, तो हमें इसमें से बताना है कब सिमिलर होंगे, जब कौन सा एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें कहा है हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ये ए है बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ या डी ई एफ, और इसमें हमें एक रिलेशन भी दिया गया है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन एफ डी, ठीक है, यानी कि ए बी अपॉन डी ई और बी सी अपॉन एफ डी, यानी कि बी सी एफ डी के प्रोपोर्शनल है। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, डी के, और बी सी किसके प्रोपोर्शनल है, ये बी सी किसके प्रोपोर्शनल है, एफ डी के, ठीक है। तो हमारा अगर ट्रायंगल भी हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं सिंस ए बी इज प्रोपोर्शनल, वैसे तो ये सिर्फ समझने की चीज़ है, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो ऑप्शन में ही पूछेगा, ए बी किसके प्रोपोर्शनल, डी के, एंड बी सी इज प्रोपोर्शनल टू एफ डी, यानी कि ए बी आप देखो यहाँ मैं एक डंडा, ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, डी के, और बी सी किसके प्रोपोर्शनल है, एफ डी के। तो अगर इसे हमें सिमिलर प्रूव करना है तो ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग होगी एक दूसरे के, तो इनके बीच कौन सा एंगल है, इसके बीच बी है और इन दोनों के बीच डी, तो एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल डी के, तो ये तो प्रोपोर्शनल है टू एंगल सॉरी टू ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब आप देखो ए बी सी, तो यहाँ से क्या लेंगे हम, एफ डी ई भी ले सकते हैं और ई डी एफ भी, वैसे यहाँ के हिसाब से देखोगे तो ए बी डी ई, तो यहाँ ए बी और ई डी दिया है तो आप ई डी एफ ले सकते हो, ई डी एफ, तो यहाँ से क्या पता चलता है हमें, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। अगर इन्हें हमें सिमिलर करना है तो हमें ये तो प्रोपोर्शनल पहले दिया ए बी डी ई के और बी सी डी एफ के, तो कौन सा इनके बीच का जो एंगल है, यहाँ बी है यहाँ डी है, तो वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में कहा है इन दी फिगर, हमें एक फिगर दिया गया है एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई, ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, यहाँ पर ये पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और हमें शो करना है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी ई बी के और पी डी सी बी सी के, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले तो फिगर बना देता हूँ मैं, इसमें फिगर दिया है हमें
ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये ई है, ठीक है। ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है और ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट में जो हमें है उसमें शो करना है ट्रायंगल ए वी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी वी के, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, तो कैसे कर सकते हैं प्रूव? तो ए बी आपको देखना है, ए बी सी, और प्रूव किसके करना है? सी बी ई के, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो कि एंगल ई और एंगल डी 90 डिग्री हैं, तो आप इसे कैसे लिखोगे? ये ए बी डी दिया है, देखो तो कैसे करेंगे आप? देखो एंगल डी और ये 90 डिग्री है, तो आप लिख सकते हो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं। और आप देखो तो एंगल ए बी डी बी एंगल सी वी ई के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है? कॉमन एंगल। तो दो एंगल, एक 90 डिग्री का है और एक एंगल कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी वी के, कौन से नियम से? बाय एंगल एंगल क्रिटेरियन, ठीक है। ऐसे इसमें जो सेकंड दिया था उसमें हमें क्या प्रूव करना था? ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी ई सी के, तो सेम इसमें है, आप लिख दोगे एंगल पी डी सी इक्वल होगा एंगल बी ई सी के, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं। और इसमें एक एंगल आपको दिख रहा है सी, एंगल सी कॉमन है, आप यहां से देख सकते हो, तो आप क्या लिखोगे? ई सी, इसके हिसाब से एंगल पी सी डी इक्वल होगा एंगल बी सी ई के। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये है कॉमन एंगल, ठीक है। जब कॉमन है दोनों में, क्योंकि इसमें भी आ रहा है पी डी सी में भी, ये आपका पी डी सी में भी एंगल सी आ रहा है और बी सी ई में भी, बी सी ई में भी, ठीक है, पी डी सी में भी आ रहा है और बी सी ई में भी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? हैंस ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ई सी के बाय एंगल एंगल क्रिटेरिया, ठीक है। ऐसे सेम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप किसी भी क्वेश्चन वीडियो को मिस मत करना, मैं उसी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल। तो देखते हैं 6 इन गिविन फिगर, हमें एक फिगर दिया है डी पैरेलल, डी ई पैरेलल है ए सी के और डी एफ पैरेलल है ए ई के, और हमें प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो देखते हैं फिगर दिया गया हमें, इसमें इसमें हमें ये ए बी सी डी ई एफ, और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव वो करना है हमें बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई किसके बराबर है? बी ई अपॉन ई सी के, ठीक है। और हमें गिविन है डी ई पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई, तो पहले ले लेंगे हम एज डी ई पैरेलल ए सी है। जब डी ई पैरेलल ए सी है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से देखें तो हम इसमें है डी ई पैरेलल ए सी, तो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए किसके बराबर होगा? बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, क्योंकि डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है, बाय बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो सेकंड सिमिलरली डी एफ पैरेलल है ए ई के, डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल होगा? बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई बाय बी पी टी, ठीक है।
तो इसे इक्वेशन वन मानो, इसे टू मानो, तो क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, क्या होगा वन और टू से? देखो इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड बी डी अपॉन डी ए, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड बी डी अपॉन डी ए। जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो लिख सकते हैं बी ई अपॉन ई सी किसके बराबर होगा? बी एफ अपॉन एफ ए के। ठीक है, हमसे यही प्रूव करवा रहा था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि हमसे यही कह रहा था बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, यही हमने प्रूव कर दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कहा है। इफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यू आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, सच डैट एंगल ए इज इक्वल टू 31, एंगल आर इज इक्वल टू 69, एंगल क्यों हमसे फाइंड करवा रहा है? तो देखो हमें इसने कहा है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। मान लिया ये हो गया हमारा एबीसी और ये है पीक्यूआर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इसने हमें कहा है गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू 31, एंगल आर इज इक्वल टू 69 और एंगल क्यों हमसे फाइंड करवा रहा है? एंगल ये 31 डिग्री दिया है, एंगल आर ये दिया है कितना 69 डिग्री, और एंगल क्यों निकालना है? तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो जब ये सिमिलर हैं तो इससे क्या होगा, एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल पी के। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी दी थी? 31 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू के, हमें पता नहीं है। और एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। तो आर की वैल्यू दी हुई थी हमें 69 डिग्री। ठीक है, तो इन ट्रायंगल हमें पी क्यू आर में पी क्यू निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये एंगल प्रॉपर्टी होती है सम एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो पी क्यू आर में क्या होगा? एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल पी हमें पता है 31 डिग्री है और एंगल आर 69 डिग्री है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 100 डिग्री प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री। ये प्लस का है इधर आके माइनस का, तो ये कितना आ गया? सॉरी 100, तो ये आ गया 80 डिग्री। तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 80 डिग्री। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं क्वेश्चन एट में हमसे कहा है इन गिविन फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक पी क्यू पैरेलल ए बी, क्या वैल्यू रखने पर एक्स की ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि पी क्यू और ए बी। तो देखो फिगर दिया गया है, ये हमारा ए बी सी और ये पी और ये क्यू, यहाँ एक्स प्लस 3 दिया है ये वैल्यू, ये दी है 3x प्लस 19 और ये x दी है और ये दी है 3x प्लस 4, और हमें ये बताना है कि हमें किस वैल्यू के लिए x की किस वैल्यू के लिए पी क्यू पैरेलल होगी ए बी के। अब आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या पढ़ी थी? जब इनका रेशियो सेम होगा तो पी क्यू पैरेलल होगी ए बी के। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये वैसे कन्वर्ज ऑफ बी पी टी होता है बाय कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर हम ये लेंगे सी पी अपॉन पी ए बराबर सी क्यू अपॉन क्यू बी के। ठीक है, अगर ये हमारा इक्वल होगा तो इससे क्या होगा? इम्प्लाइज डैट पी क्यू पैरेलल होगी ए बी के।
तो ये होती है कन्वर्जन ऑफ बीपीटी। तो हम इसे इन्हें पैरेलल बनाने के लिए पी क्यू और ए बी को इस रेशियो को क्या करेंगे इक्वल, ठीक है, सी पी अपॉन पी ए और सी क्यू अपॉन क्यू बी के। तो सी पी अपॉन पी ए मतलब एक्स प्लस थ्री अपॉन पी ए की वैल्यू है 3x+19, ऐसे ही सी क्यू की वैल्यू x है और क्यू बी की वैल्यू 3x+4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ करोगे 3x+4 की करनी है आपको x+3 में और x की करनी है 3x+19 में। इसकी करेंगे तो 3x² और 3x+4x 7x और 4 3 12, ऐसे ही x की 3 में 3x² और ये हो जाएगा 19x। तो इक्वल में सेम साइन है और सेम कोफिशेंट तो ये कैंसिल, तो क्या रहेगा 7x+12=19x। अब ये प्लस का है 7x+ का, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ 12 रहेगा और 19x-7x करेंगे तो 12x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो यदि हम x की वैल्यू 1 रख दें तो हमारी क्या होगी पी क्यू पैरेलल होगी ए बी के, ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में कह रहा है इन दी गिविन फिगर डी ई पैरेलल ए सी और डी एफ पैरेलल ए ई। ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सेम था, तो आप इसे देख लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव डैट इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है, एंड बाय यूजिंग दिस थ्योरम प्रूव डैट इन ट्रायंगल एबीसी इफ डी ई पैरेलल बी सी देन ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये क्या है आपकी, ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट। जब आपको बीपीटी का स्टेटमेंट दिया है तो आपको पहले तो स्टेटमेंट पता होना ज़रूरी है, आप तभी तो प्रूव करोगे। तो हम ऐसे पहले फिगर बना लेते हैं। इसमें कहा है एक ट्रायंगल है, मान लिया हमारा कोई ट्रायंगल है एबीसी और हमने कोई एक लाइन खींची इसके पैरेलल, इसमें कहा किसी के भी पैरेलल खींच लो, मैं बीसी के खींच रहा हूँ, आप ऐसे भी खींच सकते हो, जैसे आपने कोई ट्रायंगल बना लिया तो आप एक ऐसे भी खींच सकते हो ए बी सी, तो आप ए बी के भी पैरेलल खींच सकते हो किसी भी साइड के। तो वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, ये मान लिया हमने पी और क्यू हैं, ठीक है, तो ये जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा, यही कह रहा है उसमें। प्रूव डैट इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ये पैरेलल होती है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन अदर टू साइड्स जो कि ये साइड्स हैं, मतलब अदर टू साइड्स ए बी और ए सी आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो पहले तो हम इसे ही प्रूव करेंगे बी पी टी को। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखो इसमें हमें गिविन है पी क्यू पैरेलल है बी सी के, तो पहले मैं लिख देता हूँ गिविन क्या है, पी क्यू पैरेलल बी सी, और आपको प्रूव क्या करना है कि ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन ए सी क्यू सी, सॉरी ये सेम रेशियो में बटेंगे, हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव कर सकते हो, देखो सिंस आपको गिवन है पी क्यू पैरेलल है बी सी के, जब पी क्यू पैरेलल है बी सी के तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी एक पैरेलल दो पैरेलल लाइंस पर एक लाइन जा रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी और एंगल पी क्या होंगे इक्वल। तो आप लिख दोगे एंगल पी इक्वल टू एंगल बी, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ऐसे ही एंगल क्यू, ये भी एंगल क्यू और एंगल सी भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो एंगल क्यू किसके इक्वल होगा एंगल सी के, ये भी क्या है हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब जब ये इक्वल हैं तो हमें ये सेम रेशियो प्रूव करना है। तो अब हम अगर देखें इन ट्रायंगल
ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी। इनमें देखोगे तो आपको क्या मिल गया, एंगल पी किसके बराबर, एंगल क्यू के, वो सॉरी एंगल बी के, और एंगल क्यू एंगल सी के, और क्या लिख सकते हो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि कॉमन एंगल है ये, कॉमन एंगल। तो जब ये तीनों एंगल इक्वल हैं तो ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के बाय एंगल 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 क्रिटेरिया। ठीक है, जब ये इक्वल वो हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए पी अपॉन ए बी, ठीक है, किसके इक्वल होगा, पी क्यू अपॉन बी सी, और किसके, ए क्यू अपॉन ए सी। लेकिन जो हमें प्रूव क्या करना है, अपना देखो, हमें करना है ए पी अपॉन पी बी किसके इक्वल है, ए क्यू अपॉन ए सी के। तो यहाँ से वही आ गया, ए पी अपॉन, यहाँ आपके पास ए पी अपॉन ए बी है, लेकिन यहाँ पर है आपके पास ए पी अपॉन पी बी। तो हमें ए पी अपॉन ए बी से ए पी अपॉन पी बी बनाना है। तो देखो क्या करोगे, पहले तो आप ए पी अपॉन ए बी और ए क्यू अपॉन ए सी को इक्वल रख लो, क्योंकि हमें इन दोनों से, इन दोनों की नीड है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड वन सब्ट्रैक्ट कर दो, ए पी अपॉन पी बी सॉरी ए बी माइनस वन, और इधर भी ए क्यू अपॉन ए सी, क्योंकि जो भी काम करते हैं हम दोनों साइड करते हैं, इधर माइनस वन कर रहे हैं तो इधर भी माइनस वन ही करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, ए पी ए पी माइनस ए बी अपॉन ए बी, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए क्यू, यहाँ थोड़ा देखो वो करना पड़ेगा हमें, आप यहाँ देखो ट्रायंगल में हमने ए पी, ए पी छोटी है और ए बी बड़ी है, अगर हम ए बी में से ए पी को घटाएंगे तो हमें पी बी मिल जाएगी, क्योंकि हमें पी बी लाना है। तो हमें पहले इसे हम इन्वर्स कर लेते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए पी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग होती हैं एक दूसरे के, ए सी अपॉन ए क्यू। अगर हम ए पी अपॉन ए बी को ए क्यू अपॉन ए सी लिख रहे हैं, अगर हम दोनों को इनको इन्वर्स कर दें तो ए बी अपॉन ए पी हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर ए सी अपॉन ए क्यू। अब देखो हमारे पास ए बी बड़ी है, क्योंकि अब माइनस वन करेंगे दोनों साइड, ए बी अपॉन ए पी माइनस वन, और ए सी अपॉन ए क्यू माइनस वन। तो यहाँ से मिलेगा आपको ए बी माइनस ए पी और अपॉन में ए पी, और यहाँ से मिलेगा ए सी माइनस ए क्यू अपॉन में ए क्यू, ठीक है। तो अब ए बी माइनस ए पी करोगे, देखो ए बी ये पूरा है, उसमें से ए पी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या रह जाएगी, पी बी, ऐसे ए सी में से ए क्यू को माइनस कर दोगे क्या रह जाएगा, क्यू सू क्यू सी। तो ये क्या बन जाएगा, पी बी अपॉन ए पी बराबर क्यू सी अपॉन ए क्यू, ठीक है। और क्वेश्चन की जो में करना था हमें ए पी अपॉन पी बी, तो दोबारा इसको इन्वर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए पी अपॉन पी बी बराबर है ए क्यू अपॉन क्यू सी के। तो ये हमारा क्या हो गई, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारी बी पी टी प्रूव्ड हो गई, लेकिन इस क्वेश्चन में आगे भी कुछ कहा था, वो भी देख लेते हैं। तो इसमें आगे कहा था, बाय यूजिंग दिस थ्योरम प्रूव डैट इन ट्रायंगल ए बी सी इफ पी क्यू पैरेलल बी सी देन ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। मतलब जो हमें, हमने दोबारा मैं यहाँ लिख बना लेता हूँ इसी फिगर को, उसमें हमारा था ए बी सी और ये थी हमारी पी क्यू। अब हम ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं इसमें कि, क्योंकि उसने कहा है बाय यूजिंग दिस थ्योरम, तो हम इसमें पहले ही ये प्रूव कर चुके हैं कि हमारा ट्रायंगल ए पी क्यू, ट्रायंगल ए पी क्यू किसके सिमिलर है, ए बी सी के, ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और इसमें कहा है पी क्यू पैरेलल है बी सी के, और हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, ए पी अपॉन बी पी बराबर है ए क्यू अपॉन क्यू सी के।
ठीक है, यानी कि ए पी बी पी और ए क्यू क्यू सी। ठीक है, तो हमें शो करना है, मतलब यही होती है हमारी कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर आप इसे वैसे चाहो, अगर आपको इसे ऐसे भी हो सकता है सिंपली अलग से पूछ ले, इसमें तो आपसे कहा गया है कि आपको यूज करनी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हमने इसमें प्रूव किया है, उसे यूज करके इसे प्रूव करना है। ठीक है, और आपको हो सकता है इस स्टेटमेंट को ना दे, आपसे डायरेक्ट पूछ ले प्रूव डायरेक्ट प्रूव दी कन्वर्जन ऑफ बीपीटी, आपको स्टेटमेंट दे देगा कन्वर्जन ऑफ बीपीटी का और प्रूव करवा लेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो आप इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर पूछेगा तो आपसे वो डायरेक्ट ही पूछेगा कि कन्वर्जन ऑफ बीपीटी को प्रूव करो, तो आपको देखो कैसे कर सकते हो। आप मान लो यहाँ कोई पॉइंट, ये पी क्यू पैरेलल नहीं है, ये पी आर पैरेलल है, तो लिख लेना लेट अस एज्यूम डैट पी आर इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, हम पी क्यू को नहीं मान रहे, हम मान रहे पी आर पैरेलल है। तो अगर पी आर पैरेलल है तो बाय बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के द्वारा क्या लिख सकते हैं हम, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी। ठीक है, क्योंकि पी आर पैरेलल है, लेकिन हमें गिविन है, बट हमें क्या गिविन है, लेकिन हमें इसमें क्या प्रूव करना था, इन ट्रायंगल, मैं इसमें वैसे बीपीटी प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन जैसे क्वेश्चन में तो इसमें कहा था प्रूव वाई यूजिंग दिस थ्योरम प्रूव डैट इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू पैरेलल बीसी, ऑलरेडी हमें गिविन था पी क्यू पैरेलल है बीसी के, देन ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए की अपॉन क्यों सी। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये चीज़ तो हम प्रूव कर चुके हैं पहले, क्योंकि यही चीज़ है इसमें ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यों सी, ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ कन्वर्जन ऑफ बी पी टी प्रूव कर रहा हूँ। तो इसमें हमें गिवेन तो ये रहती है कंडीशन, और हमें क्या प्रूव करना होता है, हमें इसमें प्रूव करना होता है कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के। ठीक है, ये तो हमें ऑलरेडी ये चीज़ तो हम प्रूव कर चुके हैं, लेकिन मैं इसमें बी पी टी प्रूव कर रहा हूँ। तो बी पी टी में आप लिख लेना, यहाँ लिख लो ये चीज़ हमें गिविन रहती है, सॉरी ये हमें प्रूव करनी होती है और ये चीज़ हमें गिविन रहती है, क्योंकि ये चीज़ तो हम बी पी टी में करते हैं कि ये हमें गिविन होती है कि पी क्यू पैरेलल बी सी है और हमें ये प्रूव करनी होती है, लेकिन जब कन्वर्जन ऑफ बी पी टी की बात करें तो ये चीज़ हमें गिविन रहती है, ये प्रूव करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, हमें गिविन है ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या कह सकते हो आप, ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो सेकंड, तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों की, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, ए आर अपॉन आर सी किसके इक्वल होगी, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। ठीक है, जब ये चीज़ प्रूव होगी तो यहाँ आप देख सकते हो आर और क्यू पॉइंट सेम है, जब ये इक्वल हैं तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, इम्प्लाइज डैट आर एंड क्यू कोइंसाइड। ये कब पॉसिबल है, जब आर और क्यू कोइंसाइड हो जाएंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो आर एंड क्यू कोइंसाइड देन इट इज पॉसिबल, ये जब ही पॉसिबल है ए आर अपॉन आर सी की ए क्यू अपॉन क्यू सी के इक्वल हो, जब आर और क्यू सेम पॉइंट होंगे। जब ये सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या गिविन था, हमने माना था पी आर पैरेलल है बी सी के, पी आर पैरेलल है बी सी के, तो इम्प्लाइज डैट पी क्यू पैरेलल बी सी, क्योंकि आर और क्यू तो पॉइंट वो हो गए ना, कोइंसाइड कर गए, तो पी आर की जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं, तो हैंस प्रूव। आप ध्यान रखना ये होती है कन्वर्जन ऑफ बी पी टी, वैसे कन्वर्जन ऑफ बी पी टी बहुत कम, बी पी टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को बहुत ध्यान से देख लेना। बी पी टी तो वैसे पूछता नहीं है, लेकिन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को पूछता है, मैंने बी पी टी फिर भी आपको बता दिए। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11, इसमें कहा है ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, कोई एक ट्रायंगल है
ए बी सी, और कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं। इफ़ ए एम एंड पी एन आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, इसकी एक हमारी एल्टीट्यूड है ए एम, एल्टीट्यूड हमेशा जो है राइट एंगल पर होती है साइड के साथ, और इसकी है पी एन, ठीक है, और एंड हमें दिया है ए बी का स्क्वायर रेशियो पी क्यू का स्क्वायर कितना दिया 4:9, और हमें बतानी है ए एम रेशियो पी एन, ठीक है। तो आपको देखो हमें गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हैं। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ए बी एम, ए बी एम और यहाँ से पी क्यू एन में एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, जे ये हमें गिवन है ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रेंस है, तो यहाँ से हमें पता चल गया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन, बी सी क्या लो या बी सी अपॉन क्यू आर के, ठीक है। अब ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंस हैं, और एंगल इसमें आप देखो तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, तो इससे आप क्या कह सकते हो कि ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एन के साइड एंगल साइड से, वाई साइड एंगल साइड, ठीक है। जब ये सिमिलर हैं तो आप सिंपली कह सकते हो कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होगा, ए एम अपॉन पी एन के, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये एक दूसरे के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसकी जो ए बी अपॉन पी क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ए एम अपॉन पी एन का रेशियो सेम होगा। आपको ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर दिया था, तो आप अगर यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू निकालोगे तो वो कितना आएगा 2:3, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दोगे। मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर वो नहीं है स्पेस, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, क्या था 4:9, ठीक है। और जब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट करोगे तो ए बी अपॉन पी क्यू आ जाएगा आपका 2:3, तो यहाँ से 2:3, जब ए बी अपॉन पी क्यू 2:3 वो है 3, तो ए एम अपॉन ए एम रेशियो पी एन भी क्या होगा 2:3। और इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा था कि ए एम रेशियो पी एन की वैल्यू क्या होगी, तो 2:3। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप मुझसे पर्सनल क्वेरी भी, आपको आपके पास कोई है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपको लिंक में मिल जाएगी, उस पर जाकर मुझे फॉलो कर लें और आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।